भगवान श्री राम ने नगरी अयोध्या अत्यारे राममय बनी चुकी छे। संतो होय के कलाकारों सब कोई प्रभु श्री राम प्रत्येनी पोतानी अनन्य भक्ति अत्यारे दर्शावी रहा छे। सुवर्णमय शिखरो आवी पहुंच्या छे तो राम भगवान माटे सोनाना धनुष बाण पण आवी गया छे। एटलू ज नहीं केटला कलाकारों पोतानी कला द्वारा सरयूना घाटो ने रंगी रहा छे, प्रभुना कथानकों ने चित्रों द्वारा दोरी रहा छे। तो बड़ी क्यांक वर्ल्ड रिकॉर्ड नी तैयारीओ थई रही छे। आ तमाम नी वच्चे मंदिर नुं निर्माण कार्य पण जोर शोर थी चाली रह्युं छे। जोई लो रिपोर्ट। अयोध्या थी टीवी 9 नो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कंचन थी जगमगशे अयोध्या नगरी। राममय बनी अयोध्या नगरी। निज धाम मां रामलला ना विराजमान थवाने हवे थोड़ा ज दिवसो बाकी बचा छे, त्यारे जाने संपूर्ण अयोध्या नगरी त्रेता युग नो रूप धारण करती होय तेवुं लागी रह्युं छे। चारे तरफ रामना रंग प्रसरी गयानी अनुभूति थई रही छे। रामनी नगरी अयोध्या ने कंचन नो शणगार थवा लाग्यो छे। जी हां, अयोध्या नगरी मां आवी पहुंच्या सुवर्ण थी मढ़ेला शिखर। राम मंदिर नी समीपी आवेलू छे अमावा राम मंदिर। प्रचलित मान्यता अनुसार अयोध्या नी आ एज जग्या छे कि ज्यां त्रेता युग मां राजा रघुए मंदिर बंधावी तेमना आराध्य देवी देवताओं ने विराजमान कर्या हता। तमाम रघुवंशीओ अने प्रभु राम पण अहींया दर्शने आवता त्यारे हनुमान घड़ी अने राम जन्मभूमि मंदिर नी वच्चे स्थित आ मुख्य धाम ने शोभायमान करवा सुवर्ण कड़श की भेंट अयोध्या पहुंची गई है। न मात्र सुवर्ण कड़श पण साथी ज सुवर्णना धनुष बाण पण अयोध्या नगरी पहुंची चुक्या छे। अयोध्या में स्थापित थनारी प्रभु रामनी प्रतिमा माटे आ सुवर्णना धनुष बाण तैयार कराया छे। त्यारे आवो अमारा संवाददाता विधि पासेथी जाणीए के सुवर्णना उपहारो पाछळनो आखरे मुख्य हेतु शुं छे। राम जन्मभूमि नो आखू एक क्षेत्र अत्यारे भक्तिमय थई गयो छे ने भेट सोगादो नो सिलसिलो चाली रह्यो छे। अयोध्या मां अत्यारे सुवर्ण शिखर आवी पहोंच्या छे, जेने आव्या छे एमनी साथे वात करवी छे। सबसे पहले तो ये बताइए, सुवर्ण शिखर आप यहां पर लेकर आए किस हेतु से लेकर आए, क्या सोच कर, क्या भाव रहा इस पूरी प्रक्रिया? दर्शन मार्ग पर हमारा मंदिर पड़ता है तो जो श्रद्धालु यहाँ आए वो ऊपर देखे तो मंदिर की रम्यता भव्यता उनको और अच्छी लगे। और इसके साथ साथ हम लोग सोने का धनुष बाण भी राम जी की जो मूर्ति लगने जा रही है उसको हम लोग दान में देंगे, लेकिन वह अभी 19 तारीख को हम लोग यह सोचे हैं कि यह दान में देंगे। अच्छा, अभी कितने शिखर आप यहाँ पर क्या क्या लेकर आए हैं और ये जो है वो अभी अमावा मंदिर में लगने वाला है सर? ये अमावा मंदिर में लगेगा और वो हम लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान में देंगे। गुरु जी आप बताए, पूरा भक्तिमय माहौल और उसमें सुवर्ण शिखर भी आ गए, सोने पे सुहागा हो गया आप तो? इसलिए सुवर्णमय शिखर स्थापित कर रहा है कि पहले कभी अयोध्या सोने की रही थी, इसके नाते बाहर से अगर टूरिस्ट आवे, राम भक्त आवे, सनातनी आवे, राम जन्मभूमि दर्शन पूजन करें तो जब वह ऐसे करके देखे स्वर्णमय शिखर तो उनको एक बार याद आवे कि वो पौराणिक अयोध्या, वो राम समकालीन अयोध्या, वो त्रेता युगीन अयोध्या, वो महाराजा दशरथ की अयोध्या वाकई में स्वर्णमय ही रही होगी। इसके नाते सोने का कलश लगा हुआ है। अभी सैन भैया ने कहा कि धनुष और बाण पारम परमात्मा भगवान श्री राम की नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण और दुष्टों का काम तमाम, इसके नाते धनुष और बाण इनके द्वारा उस दिन 19 तारीख को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को धनुष और बाण, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा के मंदिर इतने वर्षों के बाद और नए जो एक नए विग्रह स्थापित की जा रही है तो स्वर्ण धनुष और स्वर्णमय बाण देकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। खास हेतु ये छे कि जे कोई पण श्रद्धालु अहीं आवे तेमने सुवर्णमय अयोध्याना दर्शन थाय, त्रेता युगनी अयोध्याना दर्शन थाय, ए ज हेतु साथे विधविध भेट सोगादो अहीं આવી રહી છે। અયોધ્યા મંદિરની વાત કરાય તો ટીવી 9 તમને મંદિરના એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો બતાવવા જઈ રહ્યું છે। મંદિરમાં હાલ તડામાર તૈયારીઓ ચાલુ છે, મંદિરના ખૂબ જ રમણીય દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, મંદિરની ભવ્યતા સ્પષ્ટ જોવા મળી રહી છે। અને હવે વાત કરાય દરવાજાઓ વિશે। અયોધ્યાના રામ મંદિરના મુખ્ય ગર્ભગૃહને સોનાથી મઢેલા 6 દરવાજા લગાવાયા છે।
विधिवत अनुष्ठान करीने आ दरवाजाओ लगावामां आव्या छे। सागना लाकडामांथी तैयार थयेल आ दरवाजा काष्ठकृतिनुं बेनमूद उदाहरण छे। હૈદરાબાદના અનુરાધા ટિમ્બરના કારીગરોએ તેને તૈયાર કર્યા છે। સોનાથી મઢેલા દરવાજા પર અનોખી કોતરણી પણ છે, જેમાં હાથી, કમલ સહિતની આકૃતિઓ જોવા મળી રહી છે। બધા મળીને કુલ 14 સોને મઢેલા દરવાજા લગાવાશે, જેની કામગીરી હાલમાં ચાલુ છે। અયોધ્યામાં તૈયારીઓ તડામાર છે, ત્યારે આ પ્રસંગે દેશના અલગ અલગ જગ્યાએથી અયોધ્યા મંદિરમાં સતત ભેટ સોગાદનો પ્રવાહ વધી રહ્યો છે। ત્યારે અષ્ટધાતુમાંથી તૈયાર થયેલો શંખ ટ્રસ્ટને ભેટ કરાયો છે। આ શંખમાં ગણપતિનું ચિત્ર જોવા મળી રહ્યું છે। પ્રભુ રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના સમયે અષ્ટધાતુમાંથી તૈયાર થયેલા શંખમાંથી શંખનાદ થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે। એ પાંચ જન જો હૈ સત્યનારાયણ પ્રજાપતિ અલીગઢ નિવાસી હૈ, ઉન્હોને સમર્પિત કિયા હૈ શ્રી રામ જન્મ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ કે હમારે મહાધ્યક્ષ પરમ પૂજ્ય નૃત્ય ગોપાલદાસ જી મહારાજ કે શ્રી ચરણો મેં યે અષ્ટધાતુ કા હૈ। ये संघ ध्वनि से ध्वनि निकालता है, यानी कि बसता है। तो इस प्रकार से तमाम लोग जो है, भक्त जो हैं, वो पूरे देश भर से आ रहे हैं अयोध्या जी, और अपने अपने भाव जो है वो समर्पित कर रहे हैं। भाव मतलब